आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल फॉर्मूला। फाइनेंशियल फॉर्मूला ऐसे तो बहुत ज्यादा है और उस सारे फॉर्मूले को समझने के लिए फाइनेंस बैकग्राउंड होना चाहिए आपकी। तो हम जो क्लासेस दे रहे हैं कि किस तरीके से हम उतना सीख सके जितना हमें ऑफिस में जरूरत पड़ती है या फिर जितना हम समझ पाते। तो फाइनेंस फॉर्मूला में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग परमिशन। हाँ, रिकॉर्डिंग की परमिशन मैं अभी दे रहा हूँ आप लोगों को। भुवन जी, आपने तो सेलफोन से ज्वाइन किया। जैसे यहाँ पे हमने 50,000 दिया, 50,000 मान लीजिए हमने लोन लिया हुआ है, मतलब कि हमारा प्रिंसिपल जो है वो 50,000 रुपीज है और हमारा जो रेट है वो रेट मान लीजिए हमारा 8% है और जो आपका टाइम है वो टाइम मान लीजिए 3 साल का है। तो इसकी ईएमआई कितनी होगी, ये ईएमआई हमें निकालना है। ओके जी, तो ईएमआई के लिए फॉर्मूला होता है पीएमटी रेट। तो इसमें मंथली आपका है इसलिए आपको मंथली देना पड़ेगा। तो ये आपका रेट 8% ईयरली है, तो मंथली हो गया और टाइम जो आपका है वो है ईयरली है, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया। पीवी मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू हमारा 50,000 है। एंटर मारिए, आपके सामने आ जाएगा कि आपका 156 जा रही है ना, इस कारण से 50,000 करेंगे। हाँ, तो अब आप देखेंगे 1566 रुपए आपका आ रहा है। पीएमटी फॉर्मूला समझ में आ गया? हाँ जी। तो पीएमटी फॉर्मूला का यूज हम ये करते हैं, लेकिन इसमें मान लीजिए कि हमारा चेंज होता है कि हमें फ्यूचर में 50,000 रुपए चाहिए, ठीक है। रेट जो हमारा है मान लीजिए 8% है और 3 साल बाद चाहिए मुझे, तो मैं कितनी ईएमआई जमा करूं? अब बोले सर दोनों में अंतर क्या है? अंतर है ये लोन है और ये रेकरिंग है। ओके, मतलब कि इसमें आपको 50,000 मिल गया और आप ईएमआई चुका रहे हैं। इसमें क्या है कि 50,000 आपको मिलेगा कब, जब आपका पूरा हो जाएगा, आपको 2,000 अभी दे देना शुरू कर देना, डिपॉजिट्स है, सेविंग्स है। इसमें भी पीएमटी लगेगा, तो थोड़ा सा चेंज होगा इसमें कि आपका रेट को डिवाइड किया 12 से, टाइम को मल्टीप्लाई किया 12 से। अब यहाँ पे पीवी नहीं होगा क्योंकि ये 50,000 मुझे अभी नहीं मिलने वाले, कब मिलेगा? एफवी है, फ्यूचर वैल्यू। एफडी की जगह पे हमें डालना है इसको, तो रिकॉर्ड आ गया 1233 रुपये। अब आप बोल रहे हो कि सेम इंटरेस्ट है, सेम टाइम है, तो फिर इसका कम ईएमआई और इसका ज्यादा क्यों? बोलिए सर, मतलब बैंक 50,000 पहले दे देती है तो मुझे ज्यादा पैसा लेती है, जब मैं जमा करना चाहता हूँ तो मुझे कम देती है, क्योंकि इंटरेस्ट दोनों का सेम है। नहीं सर, उसमें क्या है कि आपको पहले उसमें तो 50,000 से रिड्यूसिंग मेथड में जाएगा पहले आप। देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैनुअली समझाता हूँ मैं, मुझे भी कंफ्यूजन हुई थी सिंगल्स में। मान लीजिए कि ए हमारा हो गया, ए क्या हो गया हमारा लो, तो जब लोन होता है तो क्या होता है कि 50,000 आपको रुपया मिल गया, इसमें हर महीने इंटरेस्ट होगा यहाँ पे 8% डिवाइड बाय 12 का, मतलब कि महीने की आखिर में आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 333 रुपए और ये प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। कि महीने के अंत में बैंक का पैसा हो जाएगा 50,333 रुपया, पर आपने जमा कितना किया, जमा किया 1566.82। राइट, तो अगले महीने क्या होगा, अगले महीने होगा आपका इसमें से आपका घट जाएगा। राइट, और फिर एक कैलकुलेशन जो है चलेगी कब तक,
छत्तीस जब तक जीरो, छत्तीस महीने तक ना, छत्तीस महीने, 1556 है लेके 1566 75 आ गया। कुछ पैसे का डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होगा क्योंकि 82 नहीं ना है ये, इसको अगर आप करेंगे तो कुछ डेसिमल्स है यहाँ का आपको सर, इसलिए कुछ पैसे का डिफरेंस आएगा। ये होती है लोन की कैलकुलेशन। जो आप 1566 जमा कर रहे हैं उसमें आपका मूलधन जो है कम होता है और ये आपके इंटरेस्ट होता है, तो हर महीने इंटरेस्ट घटते चला जाता है। अगर हम बात करें इसकी जमा करने की, तो आपने क्या किया 1233 आपने जमा किया और ये आपका 8% डिवाइड बाई 12 और महीने के अंत में जो आपका इंटरेस्ट हुआ वो हुआ 8 रुपए और ये 8 रुपए जो है इस पे ऐड हो। ये अगले महीने के लिए जो रेट जो इंटरेस्ट चार्ज होगा 1241 पे होगा। हाँ ये हो गया। अब अगले महीने फिर 1248 आपने जमा किया, अगले महीने 1248 1233 रुपए जमा किया, नहीं 1200 यहाँ पे अगले महीने हमने 1233 जमा किया और 8 जमा किया और प्लस ए 1241 ही ऐड होगा। हाँ जी हाँ जी। अगले महीने जो पैसा जमा करने के बाद आपका 2475 का मूल्य हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, फिर इस पे चलेगा तो फिर इंटरेस्ट आपका देखिए डबल हो गया। तो ऐसे ही आपका इंटरेस्ट बढ़ते चला जाएगा। लास्ट में ये देखिए, ये आपका एक्चुअली यहाँ आता है, ये दिख रहा है आपको सर? राइट। 50वें महीने तो आप पैसा ले रहे हैं ना, 36 तो समझ नहीं पा रहे थे इंटरेस्ट कैसे किया हुआ, तो मैंने इस स्लैब पे बनाया कि आखिर चक्रवृद्धि ब्याज होता गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट यही होता है कि हर महीने या हर एक पर्टिकुलर पीरियड में इंटरेस्ट जुड़ जाता है किसमें, प्रिंसिपल में। क्लियर है जी सर? इंटरेस्ट इसमें कितना डिफरेंस है देख लीजिए। अब ये आपको पीएमटी समझ में आ गया जी? तो नहीं पीएमटी में नहीं है, एफडी फ्यूचर वैल्यू इसी का मतलब, मुझे महीने महीने जमा नहीं करना है, मुझे 3 साल बाद पैसा देना है तो कितना बनेगा, तो इसमें लगाएंगे फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू और हमने यहाँ पे दिया रेट डिवाइड बाय 12 टाइम मल्टीप्लाई बाय 12 और पीएमटी नहीं यहाँ पे पीवी, तो आपका 63,511 बने। फिर हम टाइप नहीं कर रहे ना, टाइप 1 और 2 मतलब कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ और एंड। तो टाइप का मतलब हाँ, टाइप का मतलब होता है कि ईयर 360 या 365 है जी। टाइप का मतलब ये होता है सर, हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन बिगिनिंग ऑफ द मंथ करा रहे हैं एंड ऑफ द मंथ करा रहे हैं या फिर ईयर क्या होता है सर? हाँ ये होता है सर, ये होता है ठीक है ना। टाइप इज द वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द टाइमिंग ऑफ पेमेंट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, बिगनिंग ऑफ द पीरियड हुआ 1 और पेमेंट एट द टाइम पीरियड 0 द ऑप्टिमम। डिफॉल्ट छोड़ देते हैं, समझ में आ गया जी सर। तो अभी जैसे कि हमने ए निकाल लिया, हमने यहाँ पे ईएमआई निकाल लिया, लेकिन मान लीजिए कि कोई बंदा कहता है कि नहीं नहीं मैं 1500 रुपया ईएमआई जमा करूंगा, 1500 रुपये ईएमआई जमा करूंगा, रैकरिंग पे 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 3 सालों पे जमा करूंगा, अब मुझे बताइए कि मेरा कितना पैसा बनेगा, समझे? फ्यूचर वैल्यू निकालनी है हमें। हाँ
हाँ, तो इसमें भी हम एफ बी का यूज करेंगे फ्यूचर में, रेट डिवाइड बाई 12 टाइम, यहाँ टाइम मल्टीप्लाई बाई 12 पी एम टी, यहाँ 1500 हो जाएगा, तो 7803 रुपया बनेगा, 1500 रुपया 8% से 3 साल जमा करते हैं, 8% जमा करते हैं तो 57,000 बनेगा, 7% देता है आपका 59,000 हमारे पास ईएमआई अमाउंट है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारे पास टाइम है, परसेंट वैल्यू निकालनी है, कितना लोन लिया है। नहीं, आप बोल रहे हैं कि आपके पास ईएमआई है, परसेंट वैल्यू पीवी कर लेंगे हम, पीवी में रेट आपका हो जाता है, उसको डिवाइड कीजिए 12 से, टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, और पीएमटी हमारा ये हो गया, एंटर दीजिए, आ गया, क्लियर है? Yeah. तो इसमें आपने पीवी सीख लिया, एफबी सीख लिया, पीएमटी सीख लिया, क्लियर है? तो एक काम और कीजिएगा, फॉर्मूला मेनू बार में, क्योंकि अभी और लोग भी नहीं आए हैं, तो फाइनेंशियल फॉर्मूला में एक बार देखिएगा कि और कौन सा फॉर्मूला आपको सीखने लायक है और आपको जरूरत है, क्योंकि इसमें इसका फाइनेंस बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको SYD निकालता हूँ, SYD क्या करता है पता आपको? डिप्रिसिएशन निकालता है। डिप्रिसिएशन को पहले पता होना चाहिए क्या है, ये मेथड क्या लेता है डिप्रिसिएशन का, क्या मेथड क्या लेता है? आप वही तो, उसकी मैथमेटिकल मेथड पता होगी डिप्रिसिएशन का, तभी तो मैं आपको बताऊंगा ना सर। नहीं, मैं तो एक्चुअली कॉमर्स ग्रेजुएट हूं, मेरा तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ, तो ये देखिए, इसमें अलग अलग मेथड है। ये जो यहाँ पे आप मेथड कर रहे हैं, रिटर्न द सम ऑफ द ईयर डिजिट डिप्रिसिएशन एंड असेस ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड, दिख रहा है आपको? और इसमें कई सारे मेथड होते हैं इसके। हाँ जी, हाँ जी, डिप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड होते हैं। हाँ, तो ये इसने ले लिया पीरियड के हिसाब से, स्पेसिफिक पीरियड के हिसाब से जो है लेता है, और इसका मेथड आपको देखना है तो हेल्प दिस WDV मेथड, ये आपका ए मेथड WDV है आई थिंक सर, ये कॉस्ट माइनस सेल्वेस मल्टीप्लाई बाय लाइफ माइनस फॉर, हां जी हां जी, रिड्यूसिंग मेथड WDV है सर। हां, WDV है ना, तो हर किसी का अलग अलग मेथड, इसमें ए डिप्रिसिएशन का सिर्फ यही फार्मूला नहीं है, इसमें आपका एक आपका DDB भी है, दिख रहा है आपको? Return the depreciation and asset of the specific period using the double decline balance. समझे? और इसका भी help these features में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे इसका भी दिख जाएगा, इस पर नहीं दिखा।
एक बार देख लीजिए, क्योंकि हर किसी, मेरा भी खुद का फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है। ओके, फाइनेंशियल फॉर्मूला मैं उतना ही कराता हूँ जितना आप समझते हो, मैं समझ सकूँ। इसमें ए जो होता है आपका, डबल डिक्लेयर मेथड में यूज करते हैं इसको। इसे फंक्शन बता तो नहीं रखा है, लेकिन इसने फिर सिंपली बता दिया हुआ है कि डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड इस्तेमाल किया जाता है इसमें। पर लगाने का तरीका वही है जो इसका था, क्या वो कॉस्ट देना है, सैलरी देना है, लाइफ देना है, पीरियड देना है, वो फैक्टर। ठीक है, तो अभी हम फॉर्मूले की कैटेगरी वाइज फॉर्मूला हमने खत्म कर दिया। अब अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे एडवांस फॉर्मूले की, लेकिन कुछ दिन बाद। तब तक हम जो होम में जो मेनू बार बचे हुए हैं, जैसे कि डेटा मेनू बार, फॉर्मूला के भी, इंसर्ट के भी कुछ बचे हुए हैं ना, उन मेनू बार को खत्म कर देंगे। तब तक आप जो है फॉर्मूले की प्रैक्टिस अपने हिसाब से कर लीजिएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे एडवांस फॉर्मूला। राइट,